Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study Channel को. Hello friends, welcome to Wi-Fi Study Changing the Way of Learning. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल Wi-Fi Study पे. तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है हाफ एन आवर का, जिसके अंदर हम कवर करते हैं दोस्तों द हिंदू न्यूज़पेपर को. अपार्ट फ्रॉम द हिंदू, जितने भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज है न्यूज़ के, उन सभी को कवर करते हैं. देखते हैं दोस्तों आपके कौन से एग्जाम के लिए क्या इतना इंपॉर्टेंट है और साथ में आपके नॉलेज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है. अगर मैं आज के पेपर की बात करूँ तो जैसा कि आप सभी को मालूम है दोस्तों कि कल जो है वो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पेश किया गया था पार्लियामेंट के अंदर. तो आज का पूरा पेपर उसी के ऊपर बेस्ड है. तो वहीं से ही दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं और हम उनको डिस्कस करने वाले हैं. तो आज के पेपर में मेजरली आपको इकोनॉमिक सर्वे के बारे में जानने को मिलेगा और पूरा डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर बात करी गई है, क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे, क्या इसकी जरूरत है, क्या रियलिटी है, क्या थ्योरिटिकल है, क्या प्रैक्टिकल है, सब कुछ चीजों के बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है, और आज यहाँ पे सौरभ का बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे सौरभ, उम्मीद करते हैं आपका साल बहुत मस्त जाएगा. तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं. हमेशा की तरह 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि मैंने कल आपको दिए थे. उसके बाद देखेंगे 1 मिनट के लिए अनअकैडमी भी क्या चल रहा है और उसके बाद देखेंगे आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन. ठीक है, चलिए. तो ये टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, करंट अफेयर्स बाय भुवनेश सर, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपको पीडीएफ नोट्स या कुछ भी चाहिए तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है ना, यहाँ पे आपको 15,000-16,000 के आसपास लोग हैं जो कि आपको मिलेंगे. देख लेते हैं एक बार दोस्तों कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई बैंक का एग्जाम हो, कोई आपका रेलवे का एग्जाम है, या कोई यूजीसी का एग्जाम है, या फिर कोई पीसीएस का एग्जाम है, कोई सा भी एग्जाम है, अगर आप अनअकैडमी प्लस पे घर बैठे पढ़ना चाहते हैं तो रेफरल कोड BHUNESH भुवनेश10 यूज कर सकते हैं. 10% ऑफ मिल जाएगा और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेज है जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगी. ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों एसएससी की, तो यहाँ पे CHSL के अंदर दोस्तों मेरा नया बैच चालू हुआ है अभी कुछ टाइम पहले, जहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया है. ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स प्लस करंट अफेयर है जो कि मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ. आपको ज्वाइन कर लीजिए. इसका जो लेवल है दोस्तों वो दोनों सेम लेवल रखा है मैंने CGL CHSL में, जिनका लेवल दोस्तों UPSC, अगर आप CSE PCS का एग्जाम दे रहे हैं, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे GK आ रही है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी बेनिफिट है जो कि ये पहुँचाएगा. ऐसी कोई भी बात नहीं होगी जो आपको नहीं पता होगी ये सेशन ज्वाइन करने के बाद में. ठीक है ना, साथ में अगर आप SBI PO क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं और टीम AVP के साथ पढ़ना चाहते हैं, मेरा भी करंट अफेयर जल्दी स्टार्ट हो रहा है बैंक के लिए, तो भुवनेश10 आप यूज कर सकते हैं. उसी प्रकार से GK के अंदर यहाँ पे क्लासेस चल रही है मेरी NTPC ग्रुप डी की, सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट टेस्ट, ये सब आपको भुवनेश10 के अंदर मिल जाएगा. ठीक है गाइज, चलिए तो आगे बढ़े. और ये साथ में 30 सुपर टेस्ट है जिनकी शुरुआत आज से हो रही है दोस्तों. आज पहला टेस्ट है, अगर आप CGL या CHSL एग्जाम दे रहे हो तो लगा लेना रेफरल कोड भुवनेश10 यूज कर लेना, 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लेना, जिसके अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं ना SSC के, वो सारे एग्जाम का कंप्लीट कोर्स और साथ में आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज है जो कि मिल जाएगी. अभी कोर्स इन दोनों के चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज इसकी लॉन्च हो चुकी है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ. हाल ही में कैबिनेट ने नई परियोजनाओं के लिए पूर्वोत्तर परिषद के डैश के आवंटन को मंजूरी दी है, जल्दी से बताइए. आंसर यहां पे आप सभी लोगों के मालूम है. ठीक है, 30 जो है आपका 30% आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, 30% की जो अप्रूवल है जो कि मिला है. जयशंकर जी ने डैश में सरदार वल्लभ भाई पटेल सेंटर ऑफ एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड की आधारशिला रखी है, तो ये कहां पे रखी है दोस्तों, ये केवड़िया के अंदर है जो कि रखी गई है. तो आंसर क्या हो जाएगा, केवड़िया के अंदर. लड़कों के फुटबॉल अंडर 17 नेशनल स्कूल गेम्स के 65वें संस्करण का उद्घाटन त्रिपुरा के अंदर दोस्तों किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा आपका सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा दोस्तों कौन से खेल से संबंधित है, सभी को मालूम है जैवलिन थ्रो जो है उसके जबरदस्त प्लेयर है,
और कौन सा दिन भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मैंने आपको पांच दिन के बारे में बताया था जो कि शहीद दिवस मनाए जाते हैं, उसमें से ये तीन है, गांधी जी का हो गया और एक अपना पुलिस का हो गया। ठीक है, नमामि गंगे मिशन के तहत गंगा यात्रा हाल ही में किस शहर में शुरू हुई है? तो बिजनौर से इसकी शुरुआत है जो कि करी गई है। कृषि क्षेत्र में पद्मश्री किसने जीता है? तो यहाँ पे दोस्तों वेंकट रेड्डी है, इन्होंने जीता है। वकांगरी लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रमेश जोशी जी है जिनको अपॉइंट किया गया है। और शेख अब्दुल्ला बिन नासिर बिन खलीफा अल थानी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये आप सभी को मालूम है दोस्तों, कतर के जो है वो नए प्रधानमंत्री है जो कि ये बने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल जोन काउंसिल की 22वीं बैठक जो है ये कहां पे करवाई गई है? इसको छत्तीसगढ़ के अंदर आयोजित है जो कि करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपके हो गए पूरे, अभी देखते हैं कोट ऑफ द डे जो कि प्रिंसी ने यहां पे भेजा है। लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस टू यू एंड 90% हाउ यू रिएक्ट टू इट। तो यहां पे प्रिंसी ने काफी अच्छी बात है जो कि बोली है कि जीवन के अंदर 10% ही आपके इवेंट होते हैं, लेकिन उसके जो कंसिक्वेंसेस है ना वो आपके 90% जो आप रिएक्शन करते हो उनसे होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि कोई इवेंट होता है और आप एक रिएक्शन देते हो और उसके वजह से चीजें खराब हो जाती है। तो कोशिश करिएगा जितना हो सके आप कंट्रोल कर सके चीजों को, जितना हो सके आप चीजों को रोक सके, रिएक्शन जो है ना देने की कोशिश करें, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो या फिर बहुत बुरा हो। अगर आप कोशिश करें दोस्तों तो यकीन मानिए काफी चीजें जो है वो रिजॉल्व हो जाती है अगर आप अपना रिएक्शन नहीं देते हैं तो, और काफी चीजें खराब हो जाती है अगर आप ऑल ऑफ अ सडन कोई रिएक्शन दे देते हैं तो। तो ये बात आप यहां पे ध्यान रख सकते हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, देखते हैं दोस्तों आज का द हिंदू। ठीक है, आज के द हिंदू की बात करें तो सबसे पहले जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि कल जो है इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है, तो पूरा का पूरा द हिंदू और जितने भी अखबार है ना उन सभी के अंदर दोस्तों इसके बारे में ही मेजरली डिस्कशन है जो कि किया गया है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो गांधी जी के प्रिंसिपल्स को पूरा किया है CAA ने, ऐसा जो है वो हमारे राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा है, जबकि रियलिटी में तो बात बिल्कुल उल्टी है, गांधी जी तो सेकुलर के बारे में बोला करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जो शूटर है उसको 28 दिन की जो है प्रोटेक्टिव कस्टडी के अंदर जो है वो भेज दिया गया है। यहाँ पे लोग पेंटिंग वेंटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूशन को लेकर बात करी गई है। निर्भया के जो कन्विक्ट है उनका है, जो डेथ पेनल्टी थी उसको थोड़ा सा पोस्टपोन्ड कर दिया और अभी डेट फाइनलाइज नहीं हुई है। इसके अलावा यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट से पूछा है दोस्तों प्रोटेस्टर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने, कितने लोगों को डाला है अंदर, कितने को नहीं डाला है, किस कारणवश डाला है, ये सारी जानकारी। तो कुल मिला के बात करें दोस्तों, ठीक है, रवि कुमार बोल रहे हैं कि सर आप कुछ 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 पूछे तो आप जवाब नहीं देते। यार रवि कुमार यहाँ पे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, अगर मैं आपके कमेंट के ऊपर जवाब देने लगूंगा तो फिर यहाँ पे ये पूरा सेशन रह जाएगा। आपके जो भी आपको जानना है, कोई डाउट होता है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप कमेंट के अंदर डाल सकते हैं ना अपना जो भी है आपका डाउट, वहां से डिस्कस कर लेंगे अपन। ठीक है ना, ठीक है, चले आगे बात करते हैं। साथ में दोस्तों एक बार शेयर कर देना ताकि सभी बच्चे ज्वाइन कर सके क्लास को एक बार, ठीक है, एक बार शेयर कर देना व्हाट्सएप पे ग्रुप पे जो भी आपके टेलीग्राम ग्रुप है सब पे, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। तो फाइनली दोस्तों हम जो आज बात करने वाले हैं वो इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात करने वाले हैं, और जैसा कि आपको मालूम है बजट भी जो है वो पेश होने वाला है, तो बजट के ऊपर भी एक स्पेशल सेशन जो है मैं आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा, आपको बिन बात ही परेशान होने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर भी जो पेपर में पूछा जाएगा वो सब हम डिस्कस करेंगे, और साथ में बजट के ऊपर भी जो पेपर में आ सकता है वो सब हम डिस्कस करेंगे। समझ गए कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको बजट से रिलेटेड बता दूंगा, तो आपको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए एक बच्चा बोल रहा है राष्ट्रपति का भी एग्जाम होना चाहिए। ठीक ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जानते हैं इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। हर साल ये बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है, तो ये होता क्या है? देखो दोस्तों होता क्या है कि बजट से पहले एक दिन जो है वो इकोनॉमिक सर्वे होता है जो कि पेश किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये बताया जाता है कि पिछले साल के अंदर जो है वो सरकार के क्या काम रहे, कौन सी पॉलिसीज रही, सरकार ने क्या किया है। तो यानी कि पिछले एक साल का ब्यौरा जो है ना वो आपको अपने इकोनॉमिक सर्वे के अंदर देना होता है सरकार को। सिंपल से लैंग्वेज के अंदर आपको बता रहा हूं, पिछले एक साल के अंदर जो भी काम किया है उसका ब्यौरा जो है सरकार को देना पड़ता है पार्लियामेंट के अंदर। ये तो होता है इकोनॉमिक सर्वे। बजट के अंदर आप बात करते हो आने वाले एक साल की, कि हम आने वाले एक साल के अंदर क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या किया इकोनॉमिक सर्वे, क्या क्या करने वाले हैं, आपका बजट हो गया। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अभी सिंपल देखो थ्योरेटिकल बात तो यह है कि इसके अंदर बहुत सारे डेटाज होते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं,
और प्रैक्टिकली बात बताऊं तो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी सरकार होगी, चाहे वो यूपीए हो, चाहे वो एनडीए हो, चाहे कोई सी भी सरकार हो, अगर अपने पिछले एक साल का ब्यौरा देगी तो वो हमेशा पॉजिटिव ही देगी, नेगेटिव तो देगी नहीं, है ना। तो हम इसको क्या पॉजिटिव नेगेटिव से हटाकर देखेंगे कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, और यह जो इकोनॉमिक सर्वे की जो रेलिवेंस है वो वहीं पर ही हमको ज्यादा देखने को मिलती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए तो देख सकते हो आप यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। मैंने आपको काफी चीजें इसके अंदर डिटेल में लिखी हुई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैंने हर चीज मेंशन करी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको आराम से इसको पढ़ सकते हैं। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल जो है करंट अफेयर्स बाय भुवनेश सर, उसमें मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। चलिए तो इकोनॉमिक सर्वे एक रिपोर्ट होती है दोस्तों, जो कि गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है, जिसमें वो क्या बताती है पिछले एक साल का जो है ना कैसा अर्थव्यवस्था रही है उसकी स्थिति पे जो है वो बातचीत करी जाती है, कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कि हमने पिछले साल देखे हैं और उसके सलूशन क्या क्या हो सकते हैं। इसको प्रिपेयर कौन करता है दोस्तों, इसको करता है प्रिपेयर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, किसके गाइडेंस में करता है, जो चीफ इकोनॉमिस्ट होते हैं ना अपने, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं, अभी कौन है, डॉक्टर कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम, इनकी अध्यक्षता के अंदर, इनके मार्गदर्शन के अंदर जो है इसको तैयार करवाया गया है। जब ये तैयार हो जाता है तो उसका अप्रूवल कौन देता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है जो कि इसका अप्रूवल दे देती है। पहली बार दोस्तों इसको पेश किया गया था 1950-51 के अंदर, 1964 तक, ओके, इसको बजट के साथ में ही पेश किया जाता था, लेकिन बाद में इसको एक दिन पहले है जो कि पेश करने लग गए। दो वॉल्यूम्स के अंदर इसको पेश किया जाता है दोस्तों, सबसे पहला वाला जो वॉल्यूम है उसके ऊपर आरएनडी करी जाती है, बताया जाता है कि कौन कौन से चैलेंजेस है जो कि हमको देखने को मिल रहे हैं, समझ गए। वॉल्यूम वन के अंदर तो फोकस किया गया है रिसर्च और एनालिसिस के ऊपर कि कौन कौन सी समस्या हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो झेल रही है। सेकेंड वाला जो वॉल्यूम है उसके अंदर डिटेल रिव्यू दिया जाता है फाइनेंशियल ईयर का, कि भाई क्या क्या सेक्टर के अंदर क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, ये सारी जानकारी है जो कि इसके अंदर देखी जाती है। ठीक है गाइज, एक बच्चा ईपीएफओ के लिए बोल रहा है, यार सचिन देखो ईपीएफओ के लिए आप एसएससी की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, वैसे वहां पे मैं जीके पढ़ा रहा हूँ, प्लस के ऊपर बाकी जो करंट अफेयर है यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको ईपीएफओ के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये गारंटी है मेरी, आप अच्छी तरीके से रेगुलर रहिए, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। चलिए तो ये पूरा बताया गया दोस्तों होपिंग फॉर द बेस्ट। तो जैसा कि आपको मालूम है कि 2019 की जो ग्रोथ रेट है वो 5% तक बोली गई है, एक्सपेक्टेड किया गया है, और इस बार जो है सरकार ने बोला है कि आने वाले साल के अंदर 6 से 6.5% की ग्रोथ है जो कि हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर लेंगे और हम वापस इकोनॉमी को ट्रैक पे लेके आ जाएंगे। तो ये कल जो है बात बोली गई है। ठीक है, अभी तक अगर बात करें फर्स्ट हाफ की यानी कि फाइनेंशियल ईयर 20 की, तो हालात तो और भी खराब है, एक महीना जो गया है ये भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं गया है, और बोला गया है कि पांचवें नंबर की जो है ना 2019 की अगर डेटा निकाला जाएगा अभी तो 2.9 दुनिया में पांचवें नंबर के ऊपर क्या है भारत की अर्थव्यवस्था है $2.9 trillion के साथ में, जो कि आपको मालूम है भारत की जीडीपी कितनी है अभी $2.9 trillion है। सेकंड फोर्थ नंबर के ऊपर जर्मनी है जो कि 3.9 है, फिर जापान है 5.2, फिर चाइना 14, यानी कि भारत से नियर बाय 5 गुना ज्यादा जो है आप मान सकते हैं चाइना की जो है जीडीपी है, और यूएस की $21.4 trillion यानी कि नियर बाय 8 या 9 गुना यूएस की ज्यादा है। विजन दिया गया 2025 का $5 trillion की इकोनॉमी जो है उसके ऊपर काफी फोकस किया गया कल के इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर भी, जबकि सबको पता है अब तो बच्चा समझ गया जो स्कूल में पढ़ रहा है कि 5 trillion की इकोनॉमी जो है वो अचीव होगी कि नहीं होगी, क्या हालत है, लेकिन जो कल गवर्नमेंट ने जो गोल सेटअप किया था 2024-25 तक अभी भी उसके ऊपर फोकस किया गया है, और आज के टाइम पे जो अगर हमें $5 trillion की इकोनॉमी अचीव करनी है तो हमारी जो ग्रोथ रेट है दोस्तों वो पांचों साल है ना 9% की होनी चाहिए। अगर 9% की है, अगर अपनी इकोनॉमी ग्रोथ रेट 9% हो जाए तो डेफिनेटली हम 5 ट्रिलियन जो है वो क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे, लेकिन अभी इसको बहुत ही दूर है जो कि नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों 2.9 से 24-25 के बारे में बोला गया है। यहाँ पे फिस्कल डेफिशिट बोला गया है कि गवर्नमेंट का जो घाटा है वो ओवर द ईयर कम हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं 3.3 जो है 2019-20 का फाइनेंशियल डेफिशिट जो होता है ना अपना फिस्कल डेफिशिट जिसको अपन कहते हैं, जो वित्तीय घाटा होता है सरकार जो पैसा लगाती है और लेती है उसको लेकर, तो 3.3 यहां पे बोला गया है। ठीक है, चलिए अब वन बाय वन करके सारे पॉइंट देख लेते हैं कि कल जो है किन चीजों के बारे में डिस्कशन किया गया है, सब चीज के बारे में। ये सब मैं आपको बता चुका हूं किसकी गाइडेंस के अंदर इसको बनाया जाता है, पहली बार कब पेश किया गया था ये सब मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है ना, और
ये पूरी की पूरी क्या करते हैं, हम समराइज करते हैं परफॉर्मेंस मेजर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लेकर। जितने भी मेजर डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं उसके ऊपर हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में समराइज करके उसको बताते हैं दोस्तों कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। 16-17 के अंदर जो अपने एडवाइजर थे अरविंद सुब्रमण्यम, उन्होंने डिटेल्ड फाइनेंशियल स्टेटस नहीं बताया था, और बाकी जो है क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर थोड़ा थोड़ा जो है ना हर चीज के बारे में डिस्कशन है जो कि किया जाता है। अभी फिलहाल बात करें 2019-20 यानी कि जो अभी इकोनॉमिक सर्वे कल पेश हुआ है बजट सेशन से पहले, तो यहां पे जो बात करी गई है दोस्तों उन पॉइंट के बारे में बात करेंगे, है ना। पहली बात तो सर्वे जो प्रिंट किया गया वो लेवेंडर जो कलर होता है ना उसके अंदर है, जो कि पेश किया गया जो 100 रुपए का नोट आता ना अपना, है ना, लेवेंडर कलर कौन सा बोलते हैं उसको हिंदी में अपन, ठीक है, लेवेंडर होता है ना पिंकिश कलर का, यार पिंक भी नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है, केसरिया टाइप जो कलर होता है 100 रुपए का नोट आता है उसके अंदर जो है ना ये इसको पेश किया गया, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों ब्रॉड थीम जो रखी गई है इस वाले सर्वे की वो क्या रखी गई है, वेल्थ क्रिएशन, ध्यान रखिएगा वेल्थ क्रिएशन के ऊपर फोकस है जो कि किया गया, ये अपनी ब्रॉड थीम है जो कि इकोनॉमिक सर्वे की रही है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात की बात करें तो थीम जो इकोनॉमिक सर्वे की रही है वो क्या रही है, इनेबल मार्केट्स, मार्केट को इनेबल करो, प्रमोट करो, प्रो बिजनेस पॉलिसीज एंड स्ट्रेंथन ट्रस्ट इन द इकोनॉमी। तो ये डिटेल्ड जो है थीम है आपके इकोनॉमिक सर्वे की रही है, और अगर ब्रॉड थीम की बात करें तो वेल्थ क्रिएशन रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट में स्ट्रेटेजी बताई गई है कि कैसे $5 trillion की इकोनॉमी है जो हम अचीव करेंगे 2024-25 तक, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, अब देखते हैं की पॉइंट क्या क्या रहे अपने इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के। बोला गया कि ग्रोथ रेट 6 से 6.5% है जो कि हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो समराइज करके हाईलाइट करके बता रहा हूं, पेपर में एक आपके क्या क्या पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बताया गया कि भाई जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो कितनी है, 2.9% बताया गया, और एग्रीकल्चर ग्रोथ कितनी बताई गई है, 2.8%। बोला गया कि 2011-12 के बाद में 2.6 करोड़ जॉब है जो कि क्रिएट करे गए 2017-18 तक, ठीक है, यानी कि यहां पे 18 तक की बात करी गई है, और 18-19 के अंदर जो नौकरियां गई है उसके बारे में यहां पे डिस्कशन नहीं किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट है, कोई सी भी गवर्नमेंट है वो हमेशा अपने पॉजिटिव साइड जो है वो इकोनॉमिक सर्वे में बताएगी, नेगेटिव तो क्यों ही बताएगा कोई यार। अगर मैं अभी आपसे पूछूंगा कि आपने एक साल में कितनी प्रिपरेशन करी तो आप मुझे पॉजिटिव बताओगे, आप बोलोगे मैंने इतने घंटे पढ़ाई करी है, मैंने वो एग्जाम देने गया था, मैंने इतने धक्के खाए थे, इतना मैंने वो किया था, आप ये नहीं बताओगे कि आपने कितना टाइम वेस्ट किया था ना इस प्रिपरेशन के अंदर, बस वही वाली बात होती है। ओके चलिए यहां पे थाली नॉमिक्स के ऊपर बात करी गई है कि भाई थाली की जो प्राइस होती है ना, एक वेजिटेरियन थाली जो होती है किसी भी रेस्टोरेंट में कहीं पर भी मिलती है, उसकी प्राइस रेट क्या है, कम हो गई है। कितना बताया गया है, बोला गया है कि 29% जो है वो कम हो गई है ओवर द टाइम, थाली की जो प्राइस है अफोर्डेबिलिटी जिसको अपन कहते हैं, और नॉन वेजिटेरियन जो है वो 18% हो गई है 2006-07 से लेकर 2019-20 तक, समझ गए। तो कुल मिला के ये बोला गया है कि भाई आपका खाना जो है वो अफोर्डेबल हो गया है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो भारत ने किया था कि भारत भी क्या करेगा, पोल्यूशन को लेकर काम करेगा, वो भी भारत क्या कर रहा है, टारगेट को अपने अचीव कर रहा है। इसके अलावा बात करें तो भारत में क्लीन एनहेंस्ड इफिशियंट एनर्जी सिस्टम के ऊपर बात करी गई है। साथ में बोला गया है दोस्तों कि 35 राज्य यूनियन टेरिटरीज अभी क्या हो चुके हैं, ओपन डिफेकेशन फ्री हो चुके हैं, है ना, खुले में शौच से फ्री हो चुके हैं दोस्तों, और वेस्ट जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वेस्ट मटेरियल को वो 40% कर रहे हैं अभी। उज्ज्वल योजना के बारे में बात करी गई है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इमर्जिंग ग्रीन बॉन्ड मार्केट है जो कि दुनिया में भारत बन चुका है, ये बोला गया। ग्रीन बॉन्ड का मतलब कि आप कोई भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी चीजों के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, सरकार के किसी काम के अंदर, उसको बोलते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बात करी गई है, भारत की रैंकिंग काफी बेहतर हो गई है, आपको मालूम है कितनी थी, 63 रैंकिंग थी ना, तो उसके बारे में बताया गया यहाँ पे। इसके अलावा बोला गया है कि भारत में असेंबली जो है वो स्टार्ट कर दी गई है, और असेंबली अगर किसी चीज की हो रही है
तो ये क्या है दोस्तों, मेक इन इंडिया के तहत ही इसको किया जा रहा है, क्योंकि आपको मालूम है एप्पल एप्पल जो इन फोन है इनकी असेंबली जो है वो भारत में स्टार्ट करी गई है, तो असेंबली को यहाँ पे मेक इन इंडिया से कोरिलेट किया गया है कि चलो बना नहीं पाए तो कोई बात नहीं, इकट्ठा करके जोड़ के ही उसको कर दे, तो वो भी अपने देश में असेंबली जो है यूनिट लगाने की बात करी गई है। जॉब क्रिएशन के लिए चाइनीज मॉडल की लेकर बात करी गई है कि चाइनीज मॉडल के ऊपर हम जॉब जो है वो अवेलेबल करवाएंगे। अब ये चाइनीज मॉडल कौन सा है, देखो चाइना वाइना के अंदर क्या होता है कि वहां पे 10वीं 12वीं पास जो हो जाते हैं ना लोग उनको भी नौकरियां मिल जाती है, क्योंकि वो स्किल के ऊपर काम करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई खंबा भी खड़ा करना है ना, तो अगर उसको पता है 10वीं 12वीं के बाद में उसने कोई अच्छा कोर्स कर लिया जिसको पता है कि भाई ये खंबा इतने डायरेक्शन में खड़ा करना है, इतने एंगल पे खड़ा करना है, ठीक है, उसके प्रॉपर उसको पैरामीटर्स पता है, तो वो क्या करेगा, वो अपना काम चला लेगा, नौकरी कर लेगा कहने के। उसी पैरामीटर के ऊपर जो है बोला गया कि इसी पैरामीटर पे भारत में भी नौकरियां क्रिएट करी जाएगी। बैंड बाजा बारात जो मूवी है ना, उसका एग्जांपल है जो कि यहाँ पे दिया गया है कि किस तरीके से दो लोग मिलकर जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, उस चीज का लेकर बोला गया कि इस तरीके से क्या करेंगे, जॉब का क्रिएशन करेंगे। समझ गए, आगे बात करते हैं दोस्तों, गन लाइसेंस को लेकर बात करी गई है। बोला गया कि हम क्या करेंगे, लाइसेंस जो हर चीज का मिलता है उसको इजियर करेंगे। कोई कुल मिला के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें जिसमें भारत की परफॉर्मेंस काफी बेटर हुई है ओवर द इयर्स बात करें, तो बोला गया कि दिल्ली के अंदर अगर आप रेस्टोरेंट ओपन करोगे ना, तो आपको 36 अप्रूवल, तो आपको अगर समझ रहे हो रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हो बेंगलुरु में, तो 36 आपको क्या करने पड़ेंगे, अप्रूवल लेने पड़ेंगे। दिल्ली में 26 अप्रूवल, 22 अप्रूवल मुंबई में, ओके, और दिल्ली के अंदर तो और भी ज्यादा है मतलब इनफैक्ट। और अगर आपको गन लाइसेंस चाहिए तो आप 15-20 आपको क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए। मतलब अगर आपको खाने का कोई अगर रेस्टोरेंट खोलना है तो आपको 30-40 अप्रूवल चाहिए होंगे, और अगर आपको बंदूक लेनी है तो 10 से 20 अप्रूवल में आपका काम हो जाएगा। तो ये चीज को बोला गया है कि हम इसको उल्टा करेंगे, ऐसा कि हम आप रेस्टोरेंट ओपन करना है तो आप इजिली कर सकते हैं, और अगर आपको गन चाहिए तो आपको बड़ी मुश्किल से मिलनी चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। बेस्ट प्लेसेस बताए गए इंडिया में बिजनेस करने को, तो सबसे ऊपर दिल्ली बताया गया है, फिर मिजोरम बताया गया, फिर यूपी, केरला, अंडमान और हरियाणा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की बात करी गई है कि दुनिया में 3rd नंबर के ऊपर है जो कि सबसे ज्यादा फर्म जो है वो क्रिएट करी गई है, ठीक है। 1,25,000 फर्म है जो कि क्रिएट करी गई 2018-19 के अंदर, हालांकि इसमें यह नहीं बताया गया कि बंद कितनी हुई है एक साल के अंदर वापस से, लेकिन ओपनिंग के अंदर जो है हमारे यहाँ पे काफी अच्छा है, ठीक है। बोला गया कि 2006 से 14 के और 14 से 18 जो है वो 80% ग्रोथ है जो कि करी गई है, 100% फर्म है जिन्होंने इंक्रीज किया है और कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कि यहाँ पे किया है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो रेलवे को लेकर भी बात करी गई है दोस्तों की, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पैसेंजर करियर है जो कि रेलवे बन चुका है, 400-500 करोड़ लोगों को जो है वो सफर करवा देता है रेलवे एक ही साल के अंदर। जितनी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है ना, उतने तो अपने इंडियन रेलवे में डेली लोग जो है वो सफर करते हैं, 3 से 4 करोड़ लोग, आपको मालूम है 13 लाख लोग तो एम्प्लॉयज है रेलवे के अंदर। और बोला गया आप देख सकते हैं 840 करोड़ का है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पैसेंजर करियर जो है बनाया गया है, और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर दुनिया के 4th नंबर के ऊपर है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, 95% इंडिया का ट्रेड वॉल्यूम के हिसाब से और 68% जो है वैल्यू के हिसाब से हमने समुद्र के थ्रू क्या किया है, ट्रेड किया है। इसके अलावा फार्मर की इनकम डबल करने के लिए बोला गया कि हम अपने काम कर रहे हैं इसके ऊपर, 2022 तक क्या कर देंगे, फार्मर की इनकम को हम डबल कर देंगे। फिस्कल डेफिशिट की बात कर, फिस्कल ग्रोथ की बात करें तो 5% को लेकर बोला गया है, ओके, कि इस साल जो है हमने 5% की ग्रोथ करी है, तो वो तो अपने को मालूम है, हमने पहले डिस्कस कर लिया इसके बारे में। इसके अलावा बोला गया कि जो इंसॉल्वेंसी होती है ना, यानी कि कोई भी अगर दो कंपनी जो है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर उसको वापस से सुधारना है, सही करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसकी रैंकिंग के अंदर भारत जो है 52वें नंबर पर पहुंच गया है, ऐसे हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा है। साथ में टूरिज्म इंडेक्स के अंदर भी हमारी रैंक इंप्रूव होकर 34 नंबर पे हो गई है, यह भी राष्ट्रपति जी ने कहा है। और साथ में राष्ट्रपति जी ने एक बात और लपेटने में, दो बातें बिल्कुल सही है ये, लेकिन साथ में ये भी बोल दी कि जितने भी दुनिया में इंडेक्सेस आ रहे हैं सबके अंदर भारत की रैंक है जो कि इंप्रूव हो रही है, तो ये भी प्रेसिडेंट जी ने साथ में बोल दिया, लेकिन वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, आपको मालूम है अपन डेली पढ़ते रहते हैं भारत की रैंकिंग, और अब तो आप लोग भी काफी समझदार हो गए हो, सारी रैंकिंग आपके सामने आती रहती है, तो अब तो ये भी आपको पता है ऑलरेडी। चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 16 दोस्तों, और प्राइवेटाइजेशन को लेकर सर्वे के अंदर बोला गया है, नए व्हीकल जितना प्राइवेटाइजेशन होगा उसके ऊपर फोकस किया गया है, और डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर बोला गया है कि पीएसयू को जितना जो हम बेच रहे हैं वो भी हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो पॉजिटिव है,
इनके बारे में डिस्कशन किया गया है। यहाँ पे हमारे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे जो इंपॉर्टेंट है ना, वो अपने लिए है दोस्तों आईबीएम वाली न्यूज। ये आईबीएम वाली न्यूज क्या है कि अपने जो दुनिया में आपको मालूम है दोस्तों, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सब जगह जो है अडोबे हो गए, दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनी के जो सीईओ हैं वो कौन है, इंडियन है। तो उसके अंदर एक नाम और जुड़ने वाला है जो कि आपके आईबीएम के अरविंद कृष्णा जी को हेड है, जो कि बनाया गया है। ठीक है, तो अभी रोमेटी है, गिनी रोमेटी है जो कि अभी इसके सीईओ है। आईबीएम दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट जो है कंपनी मानी जाती है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, जैसे अपनी विप्रो और ये है ना टीसीएस, ये जो काम करती है उसी तरीके से दुनिया के 170 देशों के अंदर जो है आईबीएम काम करती है। हेडक्वार्टर यूएस के अंदर है। 1908 या 1910 के समवेयर जो है ये कंपनी शुरुआत हुई थी, काफी पुरानी कंपनी है। ओके, और इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो अभी जो है इंडियन ओरिजिन टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव है अरविंद कृष्णा, उनको नेक्स्ट जो है सीईओ अमेरिकन आईटी जॉइंट कंपनी आईबीएम का बनाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए ये भी ध्यान रखिएगा, अभी फिलहाल जो है वो गिनी रोमेटी करके जो कि अभी इसके हेड है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स को लेकर। कल वापस से आपको मालूम है न्यूजीलैंड कि किस्मत बड़ी खराब, किस्मत तो क्या बोलेंगे लेकिन ठीक है, परफॉर्मेंस की बात करें तो न्यूजीलैंड की सुपर ओवर के अंदर परफॉर्मेंस शुरू से ही बड़ी खराब रही है जितने भी मैच खेले, और वापस से दोस्तों सेकंड बार ऐसा हुआ बैक टू बैक सुपर ओवर के अंदर पहुंच गया। लास्ट दोनों मैच जो है दोनों के लास्ट ओवर में जीता हुआ मैच था, दोनों न्यूजीलैंड के जो है अच्छी तरीके से प्रेशर में खेल नहीं पाई और सुपर ओवर में चला गया। और सुपर ओवर के अंदर आपको मालूम है भारतीय जो अपने प्लेयर है बड़े महारथी है, आईपीएल के अंदर आपको मालूम है सुपर ओवर के अंदर काफी मैचेस होते हैं, तो जबरदस्त एक्सपीरियंस है और बॉल मारते नहीं सीधे स्टेडियम के बाहर ही पहुंचा रहे हैं मतलब आजकल। तो यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड बने, जैसे कि दोस्तों सबसे पहले तो राहुल, केएल राहुल दोस्तों 117 इनिंग के अंदर है ना T20 के अंदर इन्होंने 4000 रन कंप्लीट कर लिए, इंडिया के फास्टेस्ट है ये, किसी भी इंडियन ने T20 के अंदर इतने जल्दी 4000 रन नहीं बनाए हैं। विराट कोहली को 138 इनिंग से जो कि लगी थी 117 में इन्होंने बना दी। दूसरी बात बात करें दुनिया में अगर बात करूं तो चौथे नंबर पे पहुंच गए, इससे पहले क्रिस गेल ने 107 इनिंग के अंदर बनाया 4000 रन, शॉन मार्स 113 और बाबर आजम 115 इनिंग के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू और क्या है तो बाकी सब तो पांचवी कॉन्सिक्यूटिव T20 सुपर ओवर डिफीट है जो कि कीवीज को मिली है, मतलब टिम साउदी मानने को तैयार नहीं है कि भाई वो बॉलिंग जो है सुपर ओवर में नहीं करानी चाहिए। पिछली बार चार पांच बार से ऐसा हो चुका है कि टीम साउदी पहला सुपर ओवर का ओवर लेके आ रहे हैं और वहां पे कुटाई खा के जा रहे हैं और टीम हार रही है। ओके, तो पांचवी बार कॉन्सिक्यूटिवली ऐसा हुआ है कि सुपर ओवर के अंदर न्यूजीलैंड टीम हारी है। अभी तो दुआ करेगी कि वह कभी सुपर ओवर खेलने को मिले ना। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे के सारे कुछ स्टैट्स जिसके अंदर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो जो ये वाला है ना वही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो हर मैच के अंदर रिकॉर्ड्स बनते रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है WHO के द्वारा दोस्तों, क्योंकि डेथ 200 के ऊपर है जो कि पहुंच चुकी है। तो आपको मालूम है दोस्तों कोरोना वायरस जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और 10,000 इन्फेक्शन तक पहुंच चुका है चाइना के अंदर। भारत के अंदर भी एक वायरस एक जने के केरला के अंदर एक लड़की के मिला है, लेकिन अभी वो ठीक है वैसे। और यहाँ पे दुनिया के कई देशों में पहुंच चुका है, यूके तक में पहुंच चुका है, अमेरिका में तो पहुंच ही चुका था, दुनिया के बहुत सारे देशों के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। आप देख सकते हैं इंडिया का जो एयर इंडिया का जो प्लेन है उसने तो अभी फर्स्ट एयरलिफ्ट भी किया, अभी दूसरी बार भी इंडियंस को क्या लेके आ रहे हैं, वापस से इंडिया में लेके आ रहे हैं। तो जल्दी जल्दी सारे कंट्री जो है चाइना से अपने लोगों को क्या कर रहे हैं, वहां से उठा के लेके जा रहे हैं ताकि जो है खुद के सिटीजन क्या हो सके, सेफ हो सके। ठीक है, जो अपने एयर इंडिया के चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है अश्विनी लाहोनी, उन्होंने इसके बारे में बताया कि फूड आइटम्स और सब कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को लेकर जो कि नई दिल्ली के अंदर करवाया गया है दोस्तों, है ना। थीम क्या रखी गई है, टूवर्ड्स 2030 गोल्स मेकिंग द डेकेड काउंट। ओके, ये थीम रखी गई है, ध्यान रखिएगा। सस्टेनेबल का मतलब समझते हो ना आप, मतलब ये सतत विकास होता क्या है। बहुत बार बहुत एग्जाम में बहुत जगह पे इस वर्ड के बारे में चर्चा होती रहती है, ये क्या है ये वर्ड, है ना। देखो सस्टेनेबल का मतलब ये होता है जब हर एक लोग आपस में सबका डेवलपमेंट होता है ना, तब उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आपका मेरा इंसान का ही डेवलपमेंट होता है तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट है, अगर सिर्फ एनिमल का डेवलपमेंट हो रहा है, एनिमल की के लिए सुविधाएं दे रहे तो वो एनिमल का वेलफेयर हो गया, समझ गए। लेकिन जब प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पूरी बायोडाइवर्सिटी को हम क्या करते हैं, एक बेहतर करने की कोशिश करते हैं जिसमें सबका
विकास हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। समझ गए मेरी बात? तो इसीलिए ये वर्ड बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अब दुनिया के अंदर सस्टेनेबल वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। ह्यूमन के डेवलपमेंट के तो ठीक है, लेकिन ह्यूमन का डेवलपमेंट आपको मालूम है एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत मैटर करता है। अगर एक अच्छा जगह पे आप नहीं रह रहे हो जहां पे हरियाली नहीं है, बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं है, तो वो फिर ह्यूमन का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है वहां पे, है ना। मैंने आपको पहले भी बताया इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में कितना अंतर है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है जहां पे इंसान की लाइफ अच्छी होनी चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ तो ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो भी होनी जरूरी है, लेकिन ज्यादा बेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, जो कि है इंडियन एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट पवन सुखदेव जी को यहाँ पे टायलर पुरस्कार से नवाजा गया है। ये टायलर पुरस्कार दोस्तों इकोनॉमी, ये जो इन्वायरमेंट का जो नोबेल अवार्ड है जो कि माना जाता है, समझ गए, नोबेल अवार्ड के बराबर होता है एनवायरनमेंट का, तो इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। काफी इन्होंने काम किए हैं दोस्तों एनवायरनमेंट को लेकर और ग्रीन इकोनॉमी को लेकर, इन्होंने काफी बताया चीजों के बारे में। साथ में जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है ना, उसके भी ये हेड रह चुके हैं 2018 तक। तो काफी काम है जो कि इन्होंने एनवायरनमेंट को लेकर किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और केरला की पूर्व मंत्री एम कमलम का क्या हो गया, निधन हो गया है, ठीक है। तो एक्टिव थी पॉलिटिक्स के अंदर 70 साल से, और अभी जो है कॉपरेटिव, पहले कॉपरेशन मिनिस्टर भी थी, और अभी इनका क्या हो चुका है, निधन हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 60 साल के दोस्तों फार्मेसी वर्कर, पहले डेफ पर्सन जो है ना, बंदिर व्यक्ति बन चुके हैं जिन्होंने अटलांटिक ओशन को क्या किया है, क्रॉस किया है। अभी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों ये बात, क्योंकि जब समुन्द्र के अंदर देखो दोस्तों, बात ऐसी है कि आपकी आंखें और कान दोनों काम करने बहुत जरूरी है, समझ गए, क्योंकि बहुत बार वेव्स होती हैं, उसके इफेक्ट्स होते हैं, है ना। तो उनके लिए आपके कान और आंखें दोनों बहुत प्रॉपर होनी बहुत जरूरी होती है अगर आप समुद्र के अंदर ट्रैवल कर रहे हो। तो 3000 किलोमीटर की जर्नी जो है अटलांटिक ओशन के अंदर इन्होंने पार करी है, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 49 डेज है जो कि इनको लगे है इसको पूरी जर्नी को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट बात है दोस्तों, और नेक्स्ट बात नेक्स्ट और करते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे जो कि है नर्मदा महोत्सव को लेकर। तो मध्य प्रदेश के अंदर 3 दिन का नर्मदा महोत्सव हुआ है दोस्तों, हो जो कि अभी स्टार्ट हुआ है 31 जनवरी से 2 फरवरी तक है, जो कि करवाया जाएगा। आपको मालूम है दोस्तों कि ट्राइबल आर्ट कल्चर जो है इसके अंदर दिखाए जाते हैं। अमरकंटक नर्मदा महोत्सव है 2020 जो कि इसको हम पूरा कहते हैं, ठीक है। तो नर्मदा जयंती मानी जाती है, उसके ओकेजन पे इसको मध्य प्रदेश के अंदर है जो कि करवाया जाता है। आपको मालूम है नर्मदा जो है वो क्या है, हमारा मेजर सोर्स है मध्य प्रदेश के अंदर वाटर का, इरिगेशन का, इलेक्ट्रिसिटी का। देखो हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे ना, जो आर्यंस हुआ करते थे, ये जो लोग हुआ करते थे, ये नदियों को पूजा करते थे। क्यों? क्योंकि नदियां हमारे लिए सबसे बड़ा सोर्स हुआ करती थी जीवन व्यापन का। हमारे लिए पानी आता था, हमारे एग्रीकल्चर को लेकर, हमारे बाकी कामों को लेकर इलेक्ट्रिक, ये जो पानी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए हमने उनको विथ रेस्पेक्ट देने के लिए क्या बोला, गंगा मैया बोला, नर्मदा हमने उनको रेस्पेक्ट देने के लिए। अब वो रेस्पेक्ट करते करते लोगों ने पता नहीं कोई दूसरी रेस्पेक्ट समझ ली और लोगों ने उनको गंदा करना चालू कर दिया। तो हमारा रेस्पेक्ट देने का मतलब ये था क्योंकि ये हमारे जीवन को चला रहे, तो हम इनका ध्यान रखें, नदियों का भी ध्यान रखें, समझ गए। तो इसीलिए हम इनको इतना पूजते हैं, सम्मान करते हैं इनका, नदियों का, क्योंकि ये हमारी लाइफ के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने कुछ चीज़ें नहीं, पता नहीं और ही समझने लग जाए, कुछ भी बाहर है, कुछ भी डाल रहे हैं, ओके, तो वो सब चीज़ें चली चालू हो गई। आप देख सकते हैं दोस्तों अमरकंटक से इसकी शुरुआत, और उसके बाद में नर्मदा, नर्मदा सागर, महेश्वर, ओंकारेश्वर, सरदार सरोवर, ये सब जो है इसी के ऊपर है। नेक्स्ट बात करते हैं पहाड़ी लैंग्वेज, उसको भी क्या किया गया है दोस्तों, बैकवर्ड क्लास के अंदर जो है इंक्लूड किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू एंड कश्मीर में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की श्रेणी में शामिल पहाड़ी भाषा जो है उनको भी कर लिया गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके के काफ़ी जो है लोग हैं जो कि कश्मीर के अंदर जो है पहाड़ी भाषा बोला करते हैं, तो वहाँ पर क्या किया गया है, पहाड़ी लैंग्वेज को जो है सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। और 4% रिजर्वेशन है जो कि अभी उन लोगों को मिलेगा जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है गाइज। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आज के दिन की सिग्निफिकेंस। आज 1 फरवरी है, तो 1 फरवरी 1884 के अंदर फर्स्ट वॉल्यूम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का जारी किया गया था। 1997 में कोस्ट गार्ड बनाया गया हमारा, इंडियन कोस्ट गार्ड। उसके बाद बात करें 1 फरवरी 2003 की, तो कल्पना चावला इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जो कि 7 क्रू मेंबर में थी, जिनका स्पेस शटल जो है कोलंबिया, ओके, वो क्या हो गया था, ब्लास्ट हो गया था वापस आते वक्त।
तो ये अपने हरियाणा के अंदर है, जिन्होंने कल्पना चावला ने जिन्होंने जन्म लिया था और देश का काफी नाम है जो कि इन्होंने किया था उस टाइम पे। ओके, तो आज भी दुनिया जो है इनको अपने काम के लिए जानती है और पूरा देश जो है वो आज भी कल्पना चावला को काफी एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन का सोर्स है हमारी महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे तो पूरा बता ही दिया है, वैसे इसके बारे में तो कुछ और बात करना बनता नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों बात कर लेते हैं एक मिनट के लिए और अनअकैडमी के बारे में कि क्या चल रहा है भाई। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे और कोई भी है, यूजीसी का एग्जाम है, कोई सा भी एग्जाम है, तो आप क्या कर सकते हो, अनअकैडमी प्लस के ऊपर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, BHU NESH भुवनेश्वर डाल के 10% ऑफ मिल जाएगा और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस भी मिल जाएगी। मेरा जो अभी कोर्स स्टार्ट हुआ है वो CHSL का हुआ है। ओके, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों एक साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं SSC का, तो आप जितने भी SSC के एग्जाम है सबकी तैयारी कर सकते हैं। CGL, CHSL, MTS, GD, CPO, JE, स्टेनो, सबका आपको कंप्लीट कोर्स और टेस्ट सीरीज मिल जाती है। अभी जो मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ है CHSL का, गाइज इसका जो लेवल है वो मैंने काफी अच्छा रखा है। अब UPSC प्री, PCS एग्जाम, पुलिस का एग्जाम कोई भी दे रहे हो, SSSC है या फिर आपका SSC है, सारे एग्जाम जो है आप एलिजिबल है देने को, बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको प्लस करंट अफेयर करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, अभी सिर्फ ज्योग्राफी चल रही है, इंडियन ज्योग्राफी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो वीडियो निकले हैं उसकी PDF और वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साथ में CGL की बात करें तो CGL की क्लासेस भी आपके लिए फ्री है। करना क्या है, अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, ओपन करनी है, फिर आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है। कोई से भी एग्जाम का गोल हो आप भुवनेश्वर है जो कि यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइज, ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने SSC सेलेक्ट कर लिया, फिर आप यहाँ पे प्लस में गए, फिर गेट सब्सक्रिप्शन में गए, फिर आपको 6 महीने 12 महीने का ऑप्शन मिला तो आपने 12 महीने ले लिया। ठीक है, फिर आप यहाँ पे रेफरल कोड में जाके BHU NESH भुवनेश्वर जो कि आपने डाल दिया, ओके, फिर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, करंट अफेयर्स बाय भुवनेश्वर सर, ज्वाइन कर लीजिएगा, काफी PDF और वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा ये राजेंद्र सर का UGC का नेट का वो है दोस्तों, बैच स्टार्ट हो रहा है, हो गया है, आप राजेंद्र 10 यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं, सारी क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके जो बैंकिंग के अगर आप एस्पिरेंट हो ना, तो आपके लिए दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट है कि आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए जो है काफी दिग्गज अपने एक बैंकर है उनको बुलाया गया है। ठीक है, तो उनकी क्लास के बारे में मैं बता देता हूं आपको कि कब उनके क्लास सेशन होने वाला है बैंकिंग को लेकर, है ना, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार मेरे पास अभी आया हुआ है मैसेज, तो जो भी आपके दोस्त है जो कि बैंकिंग के कोई इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उनका ध्यान रखिएगा इस बारे में। सैटरडे को 4 बजे यानी कि आज शाम में 4 बजे TC Jain है जो कि काफी दिग्गज माने जाते हैं दोस्तों अपनी फील्ड के अंदर, तो वो आपको क्या करेंगे दोस्तों, बैंकिंग की जो है ना इंटरव्यू की इंपॉर्टेंट टिप्स है जो कि देने वाले हैं। तो सैटरडे यानी कि आज है, आज 4 बजे जो है दोस्तों ये आपको क्या करने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं इंटरव्यू को लेकर, जो आपके बैंकिंग के अंदर जो इंटरव्यू होते हैं ना उसको लेकर। ठीक है ना, तो काफी बड़ा नाम है दोस्तों TC Jain सर का और काफी एक्सपीरियंस है इनको। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो नियर बाय मतलब 40 से 45 साल का इनको एक्सपीरियंस है, 40 से 45 साल का एक्सपीरियंस है, आप समझ सकते हैं इतने लार्ज एक्सपीरियंस के वाले पर्सन अगर आपको इंटरव्यू के टिप्स दे रहे हैं तो आपके लिए कितना फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, तो आज शाम में 4 बजे इनकी सेशन होगा, तो ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके गाइज, चलिए क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको। WHO ने कोरोना वायरस की वजह से 213 मौतों के बाद वैश्विक आपातकाल घोषित कर दिया है, यह पहली बार कहां पर आया है 2019 में, यह आपको बताना है। नेक्स्ट है, अयोनिका पॉल और विजयवीर सिंधु निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं, और साथ में अभी 9 बजे मेरी भी क्लास है करंट अफेयर के क्वेश्चंस की आपके CGL और CHSL के लिए, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी 15 मिनट बाद ही क्लास है। नेक्स्ट सवाल है आपका, पहाड़ी भाषा बोलने वाले लोगों को कहां पर आरक्षण है जो कि अभी दिया गया है। एम कमलम का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध कौन थी। नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 के लिए विषय क्या है। 2020 टाइलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर SR ऑयल UK का किसको अपॉइंट किया गया है। मीडिएटर इंडिया और पाकिस्तान के लिए किसने अभी रिसेंटली बोला है, ऑफर किया है। गवर्नमेंट ने कितना टारगेट किया है दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी 2022 तक बनाने को लेकर।
पश्चिम रेलवे के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये थे आज के आपके महत्वपूर्ण सवाल। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, वापस से मिलेंगे सुबह 9 बजे, अभी यानी कि 15-20 मिनट के बाद में, और CGL और CHSL के बच्चे जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।